मैं प्रियंका आप सभी का खास स्वागत करती हूँ हमारा खास प्रोग्राम भोजप्रीत दंगल में। जी हाँ, भोजप्रीत दंगल के इस प्रोग्राम में हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं भोजप्री इंडस्ट्री की कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके भोजप्रिय भाषा समाज और संस्कृति के साथ जुड़ी हुई होती है, और इसी के साथ साथ कुछ हम ऐसी भी खबर आपके लिए लेकर आते हैं जो कि भोजप्री बिहार के उन लोगों के लिए लोगों से जुड़ी हुई होती है जिन लोगों की वजह से बिहार पूर्वांचल का नाम पूरे देश भर में या यूँ कहें कि पूरे दुनिया भर में फेमस होता है। और मैं आज जो खबर लेकर आई हूँ वो दो ऐसे कलाकार के बारे में है जो कि कह सकते हैं दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा उन्होंने अपना नाम किया है बॉलीवुड में। लेकिन क्या थी उनकी पिछली ज़िंदगी, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया था, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं आज सबसे पहले जो बात करने वाली हूँ दो बड़े हस्तियों में से, सबसे पहले हैं बॉलीवुड के खास सिंगर उदित नारायण। जी हाँ, उदित नारायण जो कि जिनका कि 19 की अगर बात करें तो उनके गाने हर एक जवान दिलों की धड़कन बन गई थी, हर कोई के कह सकते हैं उनकी आवाज़ हर किसी को जुबां पे रहता था, उनका गीतों का नाम हर किसी के जुबां पे रहता है। और ऐसा नहीं है कि जो उनका जो कह सकते हैं गाने 19 के दौर में ही चले, उसके बाद आज भी जब उनके गाने बजते हैं कहीं ऑटो में या कहीं रिक्शे में तो हर किसी का वो लाइन, वो गाने का लाइन ऑटोमेटिकली उनके जुबान पे आ जाता है। उदित नारायण हाल ही में फिर से एक बार खूब चर्चा में आए हैं क्योंकि वो बॉलीवुड से दूर, बहुत बॉलीवुड में काम इतने दिनों काम करने के बाद, बहुत समय के बाद वो एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि की तरफ लौटे हैं। वो अपने गांव गए, अपने लोगों से मिले, किस तरीके से उनका किया गया वहां पर स्वागत और किस तरीके से उदित नारायण को वहां पर जाने के बाद फेल हुआ, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। करीब 35 वर्ष बाद सोमवार को जब विख्यात गायक उदित नारायण अपनी जन्मभूमि यानी कि ननिहाल रघुपुर प्रखंड के 82 गोट गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें पलकों पर बैठा लिया। 82 गांव में गायकी के नाम से मशहूर उदित नारायण का स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। 82 काली स्थान से मोटरसाइकिल और गाड़ियों के काफिले के साथ उनको कार्यक्रम स्थल यानी कि 82 गोठी लेकर आया गया। इसके स्वागत में सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ खड़ी थी, लोग फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे। और 3:30 बजे पहुंचे उदित नारायण अपने चिर परिचितों के बीच आते ही घुल मिल गए। जी हाँ, कई सालों बाद माटी के लाल को पाकर गांव वाले भी काफी उत्साहित दिखे। उनकी एक झलक पाने के लिए महिलाओं की भी खासी भीड़ उमड़ी। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने सबसे पहले जन्मभूमि को प्रणाम किया। इसके बाद यहां आयोजित रुद्र यज्ञ पंडाल का प्रशिक्षण कर आहुति प्रदान की। इसके बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे जहां उनकी माता भुवनेश्वरी देवी के नाम से संगमरमर की पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित किया गया है। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान जन्मभूमि पर आने की खुशी साफ साफ उनके चेहरे पर झलक रही थी। उदित दरअसल अपनी जन्मभूमि स्थल पर यज्ञ के समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। अपनी इस घर वापसी उदित काफी भावुक दिखे। जी हाँ, खासकर जब वहां मौजूद पत्रकारों को उन्होंने अपने उस खास फूस के घर को दिखाया तो उनकी आंखें नम हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि को सबके सामने नमन किया और इस जगह की मिट्टी के टुकड़े को अपने साथ बांध लिया। यही नहीं, वहां मौजूद परिजन के हाथों को भी वह देर तक उनके हाथ से पकड़े रहे। उदित एक सप्ताह से गांव में चल रहे यज्ञ की अंतिम दिन पूजा अर्चना करने आए थे। वर्षों बाद घर आए इस मशहूर गायक ने वहां मौजूद परिजन और ग्रामीणों ने यज्ञ स्थल की मंच से गीत गाए आग्रह किया। उदित ने भी इस आग्रह को टाला नहीं और उन्होंने खुशी से झूमते हुए अपने कई प्रसिद्ध हिंदी, मैथिली और भोजपुरी गीत गाए। तो देखा आपने
ने कि किस तरीके से उदित नारायण बॉलीवुड की चकाचौंध में होने के बावजूद भी वो आज फिर से एक बार अपनी जन्मभूमि की ओर लौटे और अपना खास कह सकते हैं, उनका मन कह सकते हैं कि वहाँ पर उनको खींच के ले गया और आज वो वहाँ उस जगह पर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको खुशी हुई है कि वो फिर से अपने गांव की तरफ रुक गया उन्होंने और वहाँ का जो जहाँ पर उनका बचपन बीता था वहाँ पर उन्होंने फिर से जाकर अपने मन की बात, अपने दिलों की बात अपने चाहने वालों, अपने दर्शकों के बीच शेयर की। तो वहीं दूसरी तरफ हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत लोगों को हंसाया है, बहुत लोगों को हंसने पर मजबूर किया है। एक ऐसे कॉमेडियन जिन्हें कि कह सकते हैं उन्हें सिखाने की या सीखने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने जैसे ही पर्दे पर शुरुआत की हर कोई उनके कॉमेडी का शिकार हुआ और हर कोई वो हंसने पर मजबूर हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा का बॉलीवुड में काफ़ी नाम है, एक फेमस कॉमेडियन माने जाते हैं वो और हर तरह का रोल उन्होंने किया है बॉलीवुड फिल्मों में। लेकिन उनका जीवन किस तरीके से व्यतीत हुआ और आज वो किस दौर से गुजर रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय पर संजय मिश्रा कॉमेडियन थे उस समय पर उनका दौर अलग था, उनकी खुशियाँ उनका काम था तो उनकी लोग बोलबाला थे। लेकिन आज उन्हें काम भी कम मिलने लगे हैं और देखा जाए तो कहीं बॉलीवुड फिल्मों से कह सकते हैं गायब से हो रहे हैं। लेकिन अभी के दौर में किस तरीके से संजय मिश्रा बॉलीवुड के अलावा भी अपनी फिल्म अपने जीवन को जी रहे हैं ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। बॉलीवुड के कई ऐसे मशहूर और बड़े सितारे हैं जिनकी पहली एक अच्छी जिंदगी नहीं थी, लेकिन मेहनत करके खुद को एक नाम दिया। फिर वह चाहे खिलाड़ी अक्षय कुमार हो या फिर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। जी हाँ, बॉलीवुड में एक ऐसा ही सितारा है जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, साथ ही उनकी अदाकारी कई बड़े स्टार पर भी भारी पड़ जाती है। उनका नाम है संजय मिश्रा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन संजय मिश्रा एक जाना माना चेहरा है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब पैसों की कमी की वजह से वो ढाबे पर काम करने लगे थे। एक्टिंग में आने के बाद संजय मिश्रा को लगभग 30 फिल्म में काम मिला, लेकिन उन्होंने उसका मनचाहा मुकाम नहीं हासिल हो पाया। इसी दौर संजय मिश्रा के पिताजी की भी मृत्यु हो गई। संजय को अपने पिताजी से बहुत प्रेम था और वे उनकी मृत्यु से सदमे में आ गए थे और अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। संजय को जब मुंबई में अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने एक्टिंग छोड़कर ऋषिकेश का रास्ता पकड़ लिया और छोटे से ढाबे पर गुजर बसर करने के लिए ऑमलेट बेचना शुरू कर दिया। संजय को आखिरकार वो मुकाम मिला जब उन्होंने बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने उन्हें अपनी फिल्म ऑल द बेस्ट में काम करने का मौका दिया। हालांकि संजय ने इस रोल के लिए मना किया था, लेकिन रोहित उन्हें मना कर वापस मुंबई लाए जो संजय कई सालों पहले पीछे छूट गए थे। देखा आपने दो ऐसे कलाकार, दो ऐसे बॉलीवुड के नाम जिनका काम भले ही अलग अलग है लेकिन पहचान एक जैसी है। जहां एक इंसान अपने बॉलीवुड की वजह से बॉलीवुड के चकाचौंध जीवन से व्यस्त होकर अपने जन्मभूमि को कहीं भूल से गए थे, लेकिन फिर भी इतने सालों बाद उन्होंने वापसी की। तो वहीं दूसरी तरफ संजय मिश्रा जिनकी ज़िंदगी ने उन्हें बहुत से ऐसे दौर दिखाए हैं जिस पर शायद संजय मिश्रा को यकीन कर पाना मुश्किल होगा और शायद वो कभी नहीं सोच सकते थे कि वो ऐसा भी दिन आएगा कि जहां वो इतनी गरीबी से अपने जीवन को जी रहे थे, इतनी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे, उसके बाद बॉलीवुड के एक व्यक्ति ने उनका नाम बदल के रख दिया, उनकी जीवन बदल के रख दी। तो दो ऐसे ही सितारे हैं जिन्होंने जिनका बैकग्राउंड अगर जो देखा जाए तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आज के समय में दोनों ही अपने अलग अलग अंदाज से जीवन को जी रहे हैं।
खास हमारे प्रोग्राम में इन दोनों के बारे में बताने का मकसद यही था कि जो इंसान जहाँ से होता है उसे वापस वहीं लौटना पड़ता है, ये उदित नारायण की तरफ से है। तो वहीं दूसरी तरफ कि जीवन में चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, हर दौर को गुजर कर जीना ही जिंदगी कहलाता है, और ये जीता जागता उदाहरण दिया है हमारे संजय मिश्रा ने। चलिए फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपके सामने फिर से लेकर आऊँगी एक खास ऐसा ही मुद्दा, एक ऐसी बात जो कि आपके दिलों को छू जाएगी। तब तक के लिए भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें X9 न्यूज़ भोजपुरिया। और आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये दो हमारे सितारों की कहानी आपको कैसी लगी। तब तक भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए X9 न्यूज़ भोजपुरिया, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। X9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।